सुना है 14 फरवरी कोई डे मनाया रहा, और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इजहार मोहब्बत करना है। एक सुनार के बारे में आरिफ रूमी ने लिखा है कि वो ना उसने बे औलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया, तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था, उन्होंने ले पालिक बच्चा था, और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कहीं तरसे हुए लोग थे, बच्चे को ले लिया पाला, वो बच्चे ने भी हद कर दी फरमा बरदारी, अब वो जवान हो गया, बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। वो सुनार कहता है कि सारी जिंदगी मैंने सफाई में नेकी में गुजार दी, एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियां मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता है मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा, और जब मैंने उसका वो हाथ उस नजरिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फरमा बरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ, कि ये अगरचे ले पालक था किसी का था पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ। वो कहता मेरी चीख निकल गई तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं ये मेरी गलती है, मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सजा दी, ये मुझे सजा मिली है। वो तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है, कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे ना कर, और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूँ। तो वो कांप गया है बुरी तरह से। वो कहता ये तू क्या कर रही है। उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया। तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत, क्या आप किसी को फूल भेजेंगे शर्म नहीं आती। मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिन अल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है, अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखे, इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं बहनें हैं फिर भी आप ये जौक बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं, फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें, बच्चों पर नजर रखें, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।